हमारा ये 3-4 दिन फ़न खिताबत चलेगा, मगर आज का टाइम जो है ये फ़न खिताबत से पहला स्टेप है फ़न गुफ्तगु। आपको गुफ्तगु के फ़न में वो ख़ास तरह की महारत होगी तो हम आगे जा पाएंगे। और फ़न गुफ्तगु में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी किताबें हैं, उनमें फ़न गुफ्तगु के नाम पर, कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर जो बताया पढ़ाया जाता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सहाफत पढ़ी होगी, MBA की चीज़ें पढ़ी होगी, हैं ऐसे लोग? हैं। तो आपने उसमें से चंद चीज़ें जो पढ़ी मैं रिपीट करता हूँ। मसलन आप में से कुछ लोगों ने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े होंगे कि गुफ्तगू कंप्लीट हो, कंक्रीट हो, कंसाइज हो, पढ़े हैं। अब बताइए जिन्होंने पढ़े हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल, उसके असूल हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? वो तो असूल हैं कि इनके मुताबिक बात करनी चाहिए। कुछ लोगों ने पढ़ा कि एक होती है इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन, तो ये भी कम्युनिकेशन तो नहीं है, ये कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। कुछ ने आगे पढ़ा कि गुफ्तगू के दौरान एक बात करने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक वो मीडियम जिसके ज़रिए बात की जाती है, ये होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं। तो भाइयों ये तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो फिर नहीं है। किसी ने बताया कि मीठे बोल में जादू है, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, दूसरे की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए, ये कम्युनिकेशन के एथिक्स हैं, उसकी अखलाकियात हैं, स्किल्स तो फिर नहीं है। तो आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया है तो मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए ना सिर्फ ये कि नया होगा बल्कि मुफीद होगा और हम सब इससे फ़ायदा उठाएंगे।